स्टडी फिट चैनल। दोस्तों मैं ओनू मिया और आप देख रहे हैं स्टडी फिट। दोस्तों आज का टॉपिक है वॉलीबॉल खेल के ग्राउंड का मेजरमेंट। इसके पहले के वीडियो मैंने फुटबॉल क्रिकेट हॉकी के ग्राउंड के मेजरमेंट्स के बारे में बताई हूँ, तो आज चलिए जानते हैं वॉलीबॉल के ग्राउंड के मेजरमेंट्स के बारे में। पहले बात करूँगी उसके कोर्ट के बारे में। वॉलीबॉल का कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 18×9 मीटर यानी 18 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई। लाइन की मोटाई जो है, जो इसमें मार्क किया गया है लाइन ग्राउंड बनाने के लिए, वो 5 सेंटीमीटर का होता है। कोर्ट के बाहर की ओर खाली जगह, जो कोर्ट बनाया गया है उसके बाहर की ओर जो खाली जगह होता है कोर्ट के चारों तरफ, वो 3 मीटर होता है, जिसे पोल एडजस्टेबल भी कहते हैं। पोल का रंग जो है सफ़ेद होता है। पोल की ऊंचाई 2.55 मीटर होता है। पोल की साइड लाइन से दूरी 1 मीटर, जो साइड लाइन है उससे पोल की दूरी कितनी होती है 1 मीटर। पोल से पोल के बीच यानी एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी जो होती है 11 मीटर। कितना? 11 मीटर। सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी जो है 3 मीटर होती है और अटैक लाइन से एंड लाइन की दूरी 6 मीटर। इसका इंडोर गेम भी होता है, तो इसके इंडोर गेम की ऊंचाई कितनी होती है 12.5 मीटर यानी 12.50 मीटर इंडोर गेम की वॉलीबॉल की ऊंचाई होती है। ये अक्सर पूछा जाता है। वॉलीबॉल में बीच में सेंटर लाइन पर पोलों में बंधा हुआ नेट होता है, जिसकी ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 मीटर, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर, नेट की चौड़ाई 1 मीटर और नेट की लंबाई 9.50 से 10 मीटर यानी 9.5 से 10 मीटर। नेट की ऊपरी, नेट में पट्टी लगा होता है ऊपर और नीचे भी लगा होता है और साइड में भी, तो ऊपर की पट्टी जो होती है 7 सेंटीमीटर होती है, नीचे वाली 5 सेंटीमीटर चौड़ा और किनारे वाली भी 5 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी ऊपर वाला पट्टी ओनली 7 सेंटीमीटर होता है चौड़ा और नीचे वाला और साइड वाला दोनों 5 सेंटीमीटर का। और नेट के किनारे 5 सेंटीमीटर किनारे चौड़ी सफ़ेद रंग की कैनवास लगी होती है। इस प्रकार की कैनवास जो है खड़े रूप में जहाँ पे एंटीना लगाया जाता है वहीं पर लगी होती है। दोस्तों ये मेजरमेंट्स ऐसा है कि हर एग्जाम में, फिजिकल एजुकेशन के कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ओनली मेजरमेंट से जरूर होता है, इसलिए सभी खेलों के मेजरमेंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है और उसके इतिहास, जन्म स्थान, ओलंपिक में स्थान कब शामिल किया गया, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे सभी का वीडियो मैं लाऊंगी। वॉलीबॉल के नेट में साइड में किनारे पर एंटीना लगा होता है, जिसे फ्लेक्सिबल रोड भी कहते हैं। इसकी लंबाई 1.80 मीटर तथा व्यास 1 सेंटीमीटर होता है। एंटीना जो है 1.80 मीटर में से 1 मीटर नेट में लगा होता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। 1 मीटर नेट में लगा होता है और 80 सेंटीमीटर नेट से ऊपर होता है। एंटीना लाल और सफ़ेद दो रंगों का होता है जो दिखाई दे रहा है आपको, और 10 सेंटीमीटर लाल और 10 सेंटीमीटर सफ़ेद स्टेप बाय स्टेप होता है जो आप देख रहे हैं। तो टोटल कितना हुआ 1.80 मीटर। नेट के वर्गाकार खानों का आकार, जो नेट है उसमें वर्गाकार खाने लगे हुए हैं, उसका आकार 10×10 सेंटीमीटर, कुल 1000 खाने होते हैं।
गेंद, वॉलीबॉल के गेंद का वजन 260 से 280 ग्राम होता है। कितना होता है? 260 से 280 ग्राम। और गेंद की परिधि जो है वो 65 से 67 सेंटीमीटर होता है। कितना? 65 से 67 सेंटीमीटर। और गेंद में हवा का दबाव जो है 0.48 से 0.52 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होते हैं और जिसमें से 6 खेलते हैं और 6 स्थानापन्न होते हैं। यहाँ पे पूछेगा कि वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 12 होगा। और ये पूछेगा कि वॉलीबॉल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 और स्थानापन्न 6 होते हैं। मैच 3 या 5 सेट का होता है और उसमें से 5 सेट का होता है तो 4 सेट 25 अंक का होता है और पांचवा सेट 15 अंक का होता है। 2 अंक की बढ़त के साथ हार और जीत का फैसला होता है। पहले 3 सेटों के मध्य 2 मिनट का अवकाश होता है और चौथे और पांचवे सेटों के मध्य में 5 मिनट का अवकाश होता है। दोस्तों, वॉलीबॉल खिलाड़ियों के आगे और पीछे यानी पीठ पर और छाती पर नंबर लगे होते हैं, तो उनकी मेजरमेंट है छाती पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, उसकी लंबाई नंबरों की छाती पर 15 और पीठ पर 20 सेंटीमीटर लंबा, और इनकी चौड़ाई जो होती है 10 सेंटीमीटर, तो 15-20 ऐसे करके याद कर लीजिए। वॉलीबॉल में टाइम आउट, वॉलीबॉल में टाइम आउट 5 सेट होते हैं तो 5 सेट में से एक टीम को प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट 30-30 सेकेंड का दिया जाता है। जैसे 5 सेट होते हैं और एक टीम को एक सेट में, मतलब हर एक सेट में, करने का तात्पर्य है कि एक टीम को एक सेट में 2 टाइम आउट 30-30 सेकेंड का दिया जाता है, जो खेल रुकने पर, सर्विस ब्रेक होने पर दिया जाता है। और इसमें 6 खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। कितने? 6। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि टेक्निकल टाइम आउट जो होता है 60 सेकेंड का होता है। वॉलीबॉल में पूछेगा कि टेक्निकल टाइम आउट कितने सेकेंड का होता है, कितने टाइम का होता है, तो 60 सेकेंड का। निर्णायक में 2 रेफरी होते हैं, एक प्रथम रेफरी, एक द्वितीय रेफरी, और 4 निरीक्षक होते हैं, एक स्कोरर होता है। कार्ड में पीला और लाल कार्ड होता है, एक ही हाथ में लाल पीला कार्ड होता है तथा प्रत्येक हाथ में लाल और पीला कार्ड होता है। वॉलीबॉल के कुछ आधारभूत कौशल, जैसे सर्विस हो गया, सर्विस इसमें 6 प्रकार की होती है। पहला हो गया अंडर आर्म सर्विस, जिसे अंडर हैंड सर्विस भी कहते हैं। दूसरा ओवरहैंड सर्विस, तीसरा टेनिस सर्विस, चौथा राउंड आर्म सर्विस, पांचवा फ्लोटिंग सर्विस और छठवां जंप सर्विस। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि वॉलीबॉल में कितने प्रकार के सर्विस होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। वॉलीबॉल में पासिंग भी 6 प्रकार का होता है। पहला है ओवर हैंड पासिंग, दूसरा अंडर हैंड पासिंग, तीसरा जंप एंड पास, चौथा फॉरवर्ड ड्राइव एंड पास, पांचवा साइड रोलकर दोनों हाथों से पास करना, छठवा है साइड रोलकर एक हाथ से पास करना। अटैक में एक अप्रोच होता है। दूसरा है उंगलियों के ऊपरी किनारों से बाल को दूसरे पालों में डालना, एक अटैक होता है। एक अटैक होता है स्मैश, जिसको शरीर को घुमाकर और हाथ को घुमाकर स्मैश करना होता है, छोटे पास करना और स्मैश करना इसमें आता है। वॉलीबॉल में व्यक्तिगत डिफेंसिंग कौशल होता है, जिसको डिगर्स और रॉल कहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिगर्स और रॉल का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ये वॉलीबॉल खेल में ये अक्सर पूछ लिया जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। डिगर्स और रॉल ये याद कर लीजिए। प्रमुख खिलाड़ी वर्तमान में जो हैं, आशीष अरोरा, अब्दुल वशिष्ठ, ढकेल सिंह, सुखपाल सिंह, रविकांत रेड्डी आदि।
तो दोस्तों ये था आज का वॉलीबॉल के ग्राउंड का मेजरमेंट्स। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो आगे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।